हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 2020 से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टॉप 30 क्वेश्चन का एक सेट पेपर। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। दोस्तों, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं कपड़े और PPE किट को कीटाणु रहित करने में यूज किया जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। स्थापना 1958 यानी कि 1958। किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, IIT मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार की है। दोस्तों, इस चिप का यूज मोबाइल एवं रूट गैजेट, यानी कि जो ऐसे गैजेट जो हमें रास्ता बताते हैं, उन दोनों में ही किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ध्रुवा ये किसने विकसित किया है? IIT मुंबई ने। किसने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? इसका सही आंसर है दोस्तों इसरो, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है। अब दोस्तों, याद रखिएगा, ये है क्या? तो ये एक मानव रहित अंतरिक्ष की ड्रेस है, जो कि यानी कि यह एक फिटिंग सूट है जो कि गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरी तरह कवर करता है। तो याद रखिएगा, ये एक मानव अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों वायुसेना। तो याद रखिएगा, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ARPIT का फुल फॉर्म, जो कि मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है। इसका फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में COVID-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट को विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के एक इंजीनियर द्वारा COVID-19 मरीजों की देखभाल करने के लिए लोगों के लिए शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबोट नाम का एक रोबोट विकसित किया गया है। मैकेंस इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर UBC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों ARCIA यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, मैकेंस ने ARCIA के साथ मिलकर UVC आधारित एक डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित की है। दोस्तों, ARCIA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। कहां COVID-19 के रोगियों की सेवा के लिए COVID-19 वॉर बोट विकसित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन, दवाएं एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकता है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बार बोट। किसने जर्मी क्लीन नाम का एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन डी।
तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चैम्बर सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों की ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों सेंट्रल रेलवे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा सेंट्रल रेलवे ने लोगों की यानी कि यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका नाम है WAG-12 का परिचालन शुरू किया है, इसे कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मधेपुरा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया है। किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों आरबोट यानी कि इसका फुल फॉर्म है रेल बोट दोस्तों, इसे COVID-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए विकसित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? इसका सही आंसर है दोस्तों नासा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा नासा ने 2025 में नासा का जो स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं हम नैन्सी ग्रेस रोमन की, तो ये खगोल वैज्ञानिक थी और 2018 में इनका निधन हो गया। दोस्तों इस टेलीस्कोप का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम होगा वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। दोबारा रिपीट करता हूं, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना। याद रखिएगा इस किट में सांस लेने में आसानी रहेगी और इसे भारतीय नौसेना ने बनाया है और दोस्तों इसका नाम है नवरक्षक पीपीई किट। वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस विमान को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों तेजस MK-1 FOC, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इस स्क्वाड्रन का संचालन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जिनका नाम है RKS भदौरिया ने किया। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बानीजा रूपाणी, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा भारतीय मूल की हैं बानीजा रूपाणी और इन्होंने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। दोस्तों बानीजा ये मात्र 17 वर्ष की हैं और आपको यहां से याद रखना है इस नाम को कि हेलीकॉप्टर का नाम क्या सुझाया गया, तो इसका नाम है इंजेन्यूटी। दोस्तों बात करते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई 1958 में, मुख्यालय Washington DC। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा दोस्तों इस सैटेलाइट का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा आर्कटिक एम वन। दोस्तों बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा जिस क्षेत्र में वायरस के फैलने का खतरा है उस क्षेत्र को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसे बनाया गया है और इसका नाम है अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर और इसे विकसित किया है DRDO ने। किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च
5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है चीन। याद रखिएगा, यह रॉकेट वेन चांग लॉन्ग साइट से लॉन्च किया गया, जो कि चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों इटली, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। दोस्तों यह ब्रेसलेट केवल रेडियो सिग्नल पर कार्य करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नजदीक आने पर पता चल जाता है। दोस्तों ये जीपीएस पर कार्य नहीं करता है। यदि ये जीपीएस पर कार्य करेगा तो इसको पहनने वाले की लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए ये जीपीएस पर कार्य नहीं करता है। किसने MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, यह डैशबोर्ड संकट के समान अनुसंधान समर्पित निर्णय लेने के लिए और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बनाया गया है। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया? इसका सही आंसर है दोस्तों NDMA, यानी कि ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा NDMA का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों ये एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड इसने शुरू किया है, और याद रखिएगा इसका उद्देश्य है प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसे विकसित किया गया है, यानी कि इसे बनाया है। किसने COVID-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड ने दूर दराज के क्षेत्रों में COVID-19 रोगियों को सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लेनेट का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि केपलर 1649C। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है केपलर 1649C। भारत की पहली COVID-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए COVID-19 नमूनों को इकट्ठे करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने COVID-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है VTEL विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नासा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसे कम लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों VTEL का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन ए। किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने एवं COVID-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है, और इसे विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। किस IIT ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन बी। टाटा पावर ने किस देश में सुआ केवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्जिया, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, टाटा पावर ने जॉर्जिया में सुआ केवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है। दोस्तों यह
178 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और याद रखिएगा यहाँ से जॉर्जिया की राजधानी है तिबलिसी, और दोस्तों टाटा पावर, टाटा पावर का मुख्यालय है मुंबई में। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है तो मैंने एक 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।